तो भाई जो सारे नए पार्ट्स के लिंक है वो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट जो सेकंड हैंड पार्ट्स हैं अगर आपको उनको बाय करना है तो मैं कुछ व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप लिंक्स दे दूंगा जिससे आप उन्हें बाय कर सकते हो। और जो सारे व्हाट्सएप नंबर से ये सारे सर्टिफाइड नंबर होंगे, जो इंडियन मैन गेमर का चैनल है उनके फेसबुक ग्रुप से मैंने नंबर लिए हैं जिनके कुछ सर्टिफाइड नंबर से, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। फिर भी आप एक बार सब कुछ चेक कर लें क्रॉस पेमेंट करने से पहले। सो गाइस शुरू करते हैं वीडियो को ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। सो गाइस जो सेकंड वीडियो हमारी है इसमें मैंने कुछ नए पार्ट्स और कुछ सेकंड पार्ट्स का यूज करने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो हमारा कॉम्बो है i3 और H61 का, ये आपको व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा जिसका प्राइस होने वाला है 3000 रुपीज। 3000 रुपीज के हिसाब से बहुत तगड़ा होने वाला है। और जो सेकंड पार्ट है वो हमारा रैम है जो आपको सेकंड हैंड कहीं भी OLX में मिल जाएगी आपको 1200 रुपीज में 8 GB की DDR3 रैम, जो मैं मानता हूँ बहुत अच्छी डील होने वाली है। आपको 8 GB रैम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। और फिर जो सेकंड चीज़ है वो मैंने बाय करा एक नया पावर सप्लाई प्लस कैबिनेट जो मैंने 1200 रुपीज का मिला है एक ऑनलाइन साइट पे, उनको वो लाइव साइट दोबारा मिल जाएगी तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक, आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे आराम से कोई भी एक अच्छा कैबिनेट जिसमें FPS इनबिल्ट होगा। सो गाइस स्टोरेज में जो मैंने इसमें यूज़ करी है वो मैंने 500 GB की WD Blue बाय करी है OLX से सेकंड हैंड, प्लस मैंने इसमें एक SSD यूज़ करी है 9 SSD जो मैंने कर्जन की तरफ से आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी 1600 रुपये की 120 GB की। जो आप सोच सकते हो आपका PC कितना ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, तो आपको उसका टोटल बजट मिलता है इस PC का वो आपको मिलता है 8000 रुपीज के आसपास। अब आप देख सकते हो आपका PC रेडी हो जाएगा, बटन दबाओगे तो आपका PC ऑन हो जाएगा, बट अभी इसमें ग्राफिक्स कार्ड की कमी है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड भी लगाना है इसके अंदर। सो गाइस इसमें हम ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हैं, मैंने GTX 1050 इसमें हम कोई 730 या 1030 वाले में नहीं लगाएंगे, इसमें हम GTX 1050 Ti लगाएंगे या RX 470 जो आप देख सकते हो हमारे बजट को 15000 तक पुश कर देगा। बट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा तक आपके परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ जाएगा, मान लो कोई भी अच्छे से गेम खेलना आपको आराम से चलेगा, कोई दिक्कत आपके में होने वाली है नहीं। तो गाइस देख लेते हैं बेंचमार्किंग कैसे परफॉर्म करती है इस केस में अगर हम सेकंड हैंड PC बिल्ड करते हैं, तो शुरू करते हैं बेंचमार्किंग को ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। All these hoes know what's about to come next. I hit my plug, all I got the paper connect.